बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आपका हिंदी पढ़ना लिखना सीखें के सीरीज़ में। तो यहाँ पर हम लोग अन की मात्रा का अभ्यास करेंगे, छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को भी दोस्तों आप लोग देख लें ताकि आप हिंदी में जो भी यहाँ पर बिंदु होता है उसका यहाँ पर देख सकें कि कैसे हम लोग इसको लिखते या फिर बोलते हैं। देखिए ये दोस्तों बा है, बा के ऊपर में अगर बिंदु लग गया तो इसका आवाज़ सीधा ऐसा लगेगा जैसे कि हम लोग यहाँ पर बा को आधा ना से जोड़ रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा बन। ठीक है, दा अरा को आप छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा बन। अगर आ में है तो ये हो जाएगा अन। ठीक है, अगर था में रहेगा बिंदु तो ये हो जाएगा खन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे देखेंगे, ये हो जाएगा बंदर दर बंदर। ये तो पा है, एक ही मात्रा है, अड़ा है, पेड़। बंदर पेड़, पारा पर, बंदर पेड़ पर चढ़ा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अन गुर अंगूर। उसके बाद ये हो जाएगा खा के लोमड़ी मस्त हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर यह है चांद से सारा जहान रोशन हो गया। उसके बाद है आज, ये देखिए यहाँ पर पाई लगा हुआ है, यानी कि आकार दोस्तों यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आज चांदनी रात है। उसके बाद यहाँ पर है शाह और यहाँ पर एक ही मात्रा है शेर। देखिए यहाँ पर हाईलाइट में करता हूँ इसको, यहाँ पर पाई लगा हुआ है तो वो इसको हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बन पढ़ रहे थे, लेकिन इसको हम लोग मन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे मांस, थोड़ा सा खींचेंगे चूँकि यहाँ पर आकार लगी हुई है, ये हो जाएगा मांस खाता है, शेर मांस खाता है। अब चलिए फिर से प्रयास करेंगे, बंदर पेड़ पर चढ़ा है। ठीक, अंगूर खा के लोमड़ी मस्त हो गया, चांद से सारा जहान रोशन हो गया, आज चांदनी रात है, शेर मांस खाता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।